ये आगरा विकास प्राधिकरण की बस अभी हम अंदर जा रहे हैं। छोटा लग रहा है लेकिन छोटा नहीं है, वो 3 मंजिल बिल्डिंग के बाद और ये ब्रिटिश टाइम में। ये पंचमहल के अंदर का व्यू है, देखिए ये जो खंभे है, और कुल मिला के जो 5 मंजिल के है वो 176 खंभे है, 176 यहाँ पे। नमस्कार, राम राम दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। और अभी मैं हूँ जयपुर में, तो आज का प्रोग्राम ये है कि हम लोग जयपुर से निकलेंगे और आगरा जाएंगे। तो साइड सीन ये है कि रास्ते में फतेहपुर सीकरी पड़ता है, तो फतेहपुर सीकरी की विजिट करवा के फिर जाएंगे सीधा ताजमहल देखने के लिए, और ताजमहल के बाद में जाएंगे आगरा फोर्ट। तो आज 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और जयपुर से आगरा की दूरी भी 250 किलोमीटर है, तो टाइम भी काफी लगता है। हालांकि हाईवे अच्छा है, लेकिन फिर भी कम से कम नहीं तो 5 से 5.5 घंटे तो लग ही जाते हैं, और रास्ते में 15-20 मिनट का ब्रेक भी ले लेंगे। तो ये है, आज ब्रेक ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, आधा घंटे का, 15-20 मिनट का ही लेंगे, और कोशिश करेंगे कि क्योंकि आगरा फोर्ट आज ही करवाने की, क्योंकि कल हमें जाना है आगरा से दिल्ली। तो दिल्ली में जाके हमारी साइट सीन भी है, और दिल्ली का ट्रैफिक बड़ा खराब है, उस वजह से वहां समय बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि पुरानी दिल्ली से होते हैं फिर नई दिल्ली, नई दिल्ली से कुतुब मीनार तक हमें जाना है, और उसके बाद में क्लाइंट को गुड़गांव की होटल में छोड़ना है, तो वहाँ गुरुग्राम में भी शाम के समय बहुत ट्रैफिक मिलता है। तो उस वजह से क्या है कि मैं चाहता हूँ कि भाई आज तीनों ही मॉन्यूमेंट्स है वो हो जाए, ताकि कल हम निकलेंगे सुबह जल्दी तो कोई समस्या नहीं रहेगी, हमारे पास समय रहेगा। और आज भी हम जल्दी निकल रहे हैं, 7:30 बजे का क्लाइंट को टाइम दिया हुआ है, तो थोड़ी देर में आने वाला, तो बने रहे मेरे साथ, चलते हैं आज जयपुर टू आगरा। ये दोसा के पास में अभी हम चल रहे हैं, और यहाँ पे आपको रोड के दोनों साइड में जो रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थर का काम है, उसकी काफ़ी यहाँ पे वर्कशॉप और फैक्ट्रियाँ मिल जाएगी आपको। ये देखिए, अभी हम मिडवे पे रुके हुए, शॉर्ट ब्रेक लिया हमने यहाँ पे। अब हम फतेहपुर सीकरी ये सामने एंटर होने वाले हैं, फतेहपुर सीकरी में। अभी हम पार्किंग से चलकर ये सामने आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की बसें लगती है ऊपर फतेहपुर सीकरी जाने के लिए, तो अभी यहाँ से टिकट लेके हम इन बसों के, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की ड्राइव है, और ऊपर जाएंगे और इन्हीं बसों को वापस पकड़कर यहाँ भी पार्किंग में आएंगे। ये आगरा विकास प्राधिकरण की बस अभी हम अंदर जा रहे हैं। अब हम फतेहपुर सीकरी सामने हैं, पहुंचने वाले हैं। ये देखिए फतेहपुर सीकरी का सामने गेट आ रहा है, और
हमारी बस बढ़ रही है आगे। और ये हम फाइनली यहाँ पे पहुंच गए, यहीं पे उतरेंगे। ये फतेहपुर सीकरी का सामने दीवाने आम है, ये देखिए। और यहाँ से हम अंदर आए थे, काफी बड़ा है। ये सामने दीवाने खास की बिल्डिंग है और फतेहपुर सीकरी में अंदर से कुछ ऐसा नजर आता है। ये चलते हैं अंदर। ये देखिए अंदर से, ये फतेहपुर सीकरी के अंदर, ये देखिए सामने एक वाटर रिजर्वायर है जो पहले बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए काम में लिया जाता था। सामने फतेहपुर सीकरी का पंचमहल है जो बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं। और ये देखिए और ये ऐसा बताते हैं कि ज्योतिषी के बैठने की जगह थी, एस्ट्रोलॉगर सिटिंग प्लेस। और ये सामने जो पच्चीसी का गेम खेला जाता था, यानी कि जो खेल खेला जाता था, वो पच्चीसी का खेल यानी कि चौपड़ पास से खेले जाते थे, तो वो यहाँ पे दासियों या कहूँ तो लिविंग फिगर्स के साथ में खेले जाते थे। काफी बड़ा है ये देखिए। ये फतेहपुर सीकरी का अनूप तालाब है और अभी मैं जो तुर्की सुल्ताना के कमरा है वहां पे मैं खड़ा हूँ। ये अनूप तालाब और पंचमहल का दूसरी साइड से व्यू देखिए अभी। ये हम दूसरे कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं फतेहपुर सीकरी के। सामने एक और महल है, बड़ा ही खूबसूरत बनाया हुआ है। ये सामने बीरबल का महल है फतेहपुर सीकरी में। ये देखिए, ये सामने फतेहपुर सीकरी में जो देख रहे चौक, और ये निचली हरम सरा कहा जाता है इसको, यानी कि जो मुगल हरम में जो औरतें जिनका कोई स्टेटस नहीं होता था, यानी कि कह सकते हैं कि कॉन्कुबाइंस और रखेलें वगैरह, वो यहाँ पे रखी जाती थी। और ये सामने बीरबल का मकान है इस साइड में। तो मुगलों में ये आम बात थी कि जो हरम है उनकी बड़ी होती थी और कई सैकड़ों औरतें हरम में होती थी जिनका कोई उतना खास रानियों जितना स्टेटस नहीं दिया जाता था, उस वजह से उनको कहा जाता निचली हरम सरा। तो ये सामने देखिए,
कॉन्कुबाइंस और जो काम करती थी हर में, उनके लिए ये स्थान था। ये सामने पंचमहल का इस साइड का व्यू देखिए आप। ये पंचमहल के अंदर का व्यू है, देखिए ये जो खंभे है। और कुल मिला के जो पांचों मंजिल के है वो 176 खंभे है, 176 यहाँ पे। और ये वापस हम उसी 25 वाली जगह और दीवाने खास की जगह में आ गए हैं। अब मैं आ गया हूँ ताजमहल के अंदर और ये ताजमहल का मेन गेट है सामने, ये देखिए। अब चलते हैं मेन गेट से अंदर होते हुए, सामने देखिए ताजमहल। और हमेशा यहाँ पे पर्यटकों की वैसी अमूमन भीड़ ही रहती है और आज मौसम भी काफ़ी साफ है तो ताजमहल एकदम बिल्कुल प्लेटफॉर्म से अच्छा दिख रहा है। मैं अभी सामने से आपको ताजमहल दिखा रहा हूँ, जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो सामने से कुछ ऐसा नज़र आता है, ये देखिए। अभी यहाँ सामने जो मेरे क्लाइंट्स हैं अंग्रेज हैं उनके साथ में जो भारतीय पर्यटक है वो फोटो खिंचवाते हुए, एक एक्चुअली महिलाओं का ग्रुप है तो उनको और हमें भारतीय पर्यटकों को एक होता है, मैंने काफ़ी जगह नोटिस भी किया है कि अंग्रेज़ों के साथ फ़ोटो खिंचवाने का चाव होता है, तो ये सामने फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मेन गेट से आगे चलकर मैं अभी यहाँ पे वाइट जो ये प्लेटफॉर्म है मार्बल का वहाँ पे खड़ा हूँ ताजमहल के एग्जैक्ट बिल्कुल सामने। तो यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे लोग बेंच पे बैठकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं उसको लेडी डायना बेंच कहते हैं, ये देखिए। यहाँ पे हर कोई आता और आपको लगभग फोटोग्राफर यहीं पे मिलेंगे और हर समय यहाँ पे टूरिस्ट की भीड़ रहती है, हर कोई यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। वो सामने मेन गेट है वहाँ के, उसके बिल्कुल सामने ये अंदर आके ये है लेडी डायना बेंच। तो दोस्तों अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं ताजमहल को निहारते हुए और ये सामने देखिए, और मैं बिल्कुल क्लोज में आ चुका हूं अभी। अब मैं ताजमहल के बिल्कुल क्लोज आ चुका हूं, ये सामने जो मस्जिद है। और एवरी फ्राइडे को ताजमहल बंद रहता है क्योंकि मस्जिद के अंदर यहां पे नमाज पढ़ी जाती है, उस वजह से ताजमहल एवरी फ्राइडे को क्लोज रहता है। तो यहां से अब आगे चलेंगे हैं, एक बार और टिकट चेक होगा, जो 200 रुपये का टिकट है वो ऊपर जो मेन प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए है तो वो सामने वहाँ पे एक बार चेक होगा और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ये टिकट चेक करवाने के बाद में फिर आप इस लाइन से, ये रेलिंग लगी हुई है, आप इस गेट से ऊपर जाते हो और ये भारतीय और चाहे फॉरनर सबके लिए ये बराबर टिकट है, 200 रुपये का एक्स्ट्रा ऊपर जाने के लिए ताजमहल के अंदर जाने के लिए। और मैं अभी ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा हूँ और मेन प्लेटफॉर्म पे जो वाइट मार्बल का प्लेटफॉर्म है जो दूर से नज़र आता है उसके ऊपर आएंगे। ये सामने देखिए आप मीनार भी एक नज़र आ रही है, ये आ गए हम ऊपर। और यहाँ से एक साइड का आने का और एक साइड का जाने का रास्ता बनाया हुआ है, ये मेन प्लेटफॉर्म और वो सामने मेन गेट है ताजमहल के अंदर जाने का। ये मैं बिल्कुल मेन गेट के पास आ चुका हूँ। यहाँ बाहर तो फोटोग्राफी वैसे अलाउ है लेकिन अंदर फोटोग्राफी ऑफिशियली अलाउ नहीं है, उस वजह से मैं कर नहीं पाऊँगा। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे जो पिएट्रा दुरा वर्क है, यानी कि जो स्टोन का मीनाकारी का काम है वो है। और ये काफ़ी खूबसूरत आर्चेस देखिए आप, ये हम
मेन गेट के बिल्कुल पास में खड़े और वहां से हम अंदर आए थे। अब मैं ताजमहल के अंदर से होके दोस्तों मैं बाहर आ चुका हूँ यहाँ से, और ये सामने इस साइड में मस्जिद है, वो सामने बिल्डिंग, और ये यमुना जी बह रही है, यमुना जो नदी है, और दूर लाल किला आज तो खैर नज़र इतना नहीं आ रहा है यहाँ से, और वो उधर सामने मेहताब बाग है, ये देखिए। तो एक यहाँ पे किंवदंती भी है कि भाई शाहजहाँ एक काला ताजमहल बनाना चाहता था, इसलिए वो जो नींव के ईंटें वगैरह है वो काले ताजमहल की है, लेकिन इसके बारे में कोई वैसे कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो है नहीं वैसे। ये देखिए यमुना जी का खूबसूरत व्यू, और इस साइड में जो ये मेहमान खाना है मस्जिद के अपोजिट साइड में, जो सेम वैसी की वैसी बिल्डिंग है उसको मेहमान खाना कहते हैं। ये जैसे ही मैं यहाँ से नीचे आया हूँ अभी, और यहाँ सामने आपको डस्टबिन पड़े नज़र आएंगे, और जो शू कवर हमने पहने थे वो शू कवर यहाँ पे डाल के अब हम आगे बढ़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। ये देखिए ये सामने मेहमान खाना है, उस साइड में मस्जिद थी, ऐसी की ऐसी बिल्डिंग नज़र आती थी, सेम एकदम सिमेट्री में परफेक्ट बनाई हुई है। और ये गार्डन से जो ताजमहल का व्यू है पेड़ों के बीच में, वो व्यू देखिए आप। अभी दोपहर का समय है और सूर्य की जो रोशनी है सीधी बिल्डिंग्स पे पड़ रही है, तो अभी देखिए बहुत ही वाइब्रेंट कलर नज़र आ रहे हैं ताजमहल के। और जैसे ही हम मेन गेट के पास आते हैं तो मित्रों ये देखिए बहुत ही खूबसूरत जो पिलर है, ये कॉरिडोर बरामदे बने हुए हैं, ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, और पूरा यहाँ पे लाल बलुआ पत्थर है, रेड सैंड स्टोन है। तो दोस्तों मैं अभी ताजमहल विजिट करके अब आ गया हूँ आगरा किले के पास में, तो ये अभी हम आगरा किले के अंदर चल रहे हैं, जो आगरे का लाल किला भी कहा जाता है, जैसे दिल्ली में लाल किला है वैसे एक वैसे आगरा में भी है, तो ये आगरा किला ही कहा जाता है वैसे तो। ये सामने अभी हम अमर सिंह गेट की तरफ बढ़ेंगे, ये सामने अमर सिंह गेट है जो टूरिस्ट के लिए खुला रहता है, वो देखिए सामने, ये देखिए ये रेड सैंडस्टोन में बना हुआ किला है, लाल बलुआ पत्थर। और जैसे ही मेन गेट के पास पहुंचेंगे दोनों साइड में आपको ये गहरी खाई नज़र आएगी, और मैं किले के गेट से अंदर होता हुआ सिक्योरिटी चेक इन ये सामने है, और इसके बाद में मैं आगे बढ़ा सिक्योरिटी में बैग वगैरह चेक करवा कर, टिकट वगैरह यहाँ पे चेक होते पीछे, और ये आगे तीसरा गेट आता है तो इससे होकर हम अंदर जाएंगे। काफ़ी हाइट में है सारे गेट, अगर देखेंगे आप ऊपर देखेंगे तो बहुत ही हाइट में है, और ये सामने दरवाज़ा है, और इसके अंदर से होके पैदल हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर है जो जहाँ से पहले से शुरू होते, ये देखिए दोनों साइड में आपको ईंटों की दीवारें नज़र आएगी। और अभी मैं आ गया हूँ दोस्तों, ये सामने जहांगीर महल है आगरा किले के अंदर, ये जहांगीर महल है, तो जहांगीर महल के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ मैं अभी, और जहांगीर महल में आगे बढ़ते हुए आपको एक बाथ टब मिल जाएगा। ये देखिए ये पहले हमाम में रखा होता था, लेकिन ब्रिटिश टाइम में इसको यहाँ पे लाके रख दिया गया था, ये एक ही जो पत्थर से बना हुआ है। और ये मैं जहांगीर महल के अंदर एंटर करूँगा तो कुछ ऐसा गेट दिखेगा आपको, ये देखिए अंदर एंटर करते ही राइट साइड से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे और खुला चौक आएगा अभी, ये सामने खुला चौक है और चारों तरफ कमरे बने हुए जहांगीर महल में। स्थापत्य कला की दृष्टि से देखें तो काफ़ी आकर्षक है और खूबसूरत डिजाइन है, हर पिलर पे हर जगह पे छज्जों के नीचे काफ़ी मतलब बढ़िया कारीगरी है। ये देखिए और मैं जहांगीर महल के दूसरी साइड में यहाँ आया हूँ, तो यहाँ से सामने यहाँ आप यमुना नदी भी देख सकते हैं,
ये इन जो खिड़कियां हैं इन ये काफ़ी बड़ी जैसे दरवाजा नुमा है ये देखिए, और यहाँ से सीधा आपको ताजमहल भी नज़र आएगा अगर मौसम साफ है तो। ये देखिए और अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब मैं आ गया हूँ इधर जो जहानारा और रोशनारा जो बालकोनीज है वहाँ पे है, और खास महल है ये सामने जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। ये देखिए ये सामने अंगूरी बाग है, हालांकि अभी तो अंगूर नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये चार बागों में विभक्त है और चार बाग पैटर्न पे ही है जो मुगलों ने ज़्यादातर हर जगह ये चार बाग शैली के जो बाग बनाए हैं। और ये सामने छोटा सा पुल और खास महल है शाहजहाँ का जो वाइट मार्बल में बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर में। ये देखिए खास महल के अंदर देखेंगे आप तो ये जालियां और वाइट मार्बल, और पहले शायद पेंटिंग हुआ करती थी और जिसके अवशेष आज भी यहाँ पे विद्यमान है, क्योंकि किला बाद में ये जब मुग़ल एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ तो उस समय क्या किला फिर बाद में अलग अलग शासकों के अधिकार में रहा, बाद में अंग्रेज़ों के अधिकार में भी आया, तो उस वजह से ये पेंटिंग तो अभी यहाँ पे नहीं है। और लेकिन ये जो खास महल है काफ़ी खूबसूरत है, सामने अंगूरी बाग का व्यू। और यहाँ पे आगे बढ़ते ही ये इस साइड में है वो देखिए मुसलमान बुर्ज है, और मुसलमान बुर्ज से भी आप सीधा ये ताजमहल और यमुना जी का व्यू दिखेगा आपको। और मुसलमान बुर्ज के मैं पास में खड़ा हूँ इधर, और मुसलमान बुर्ज दोस्तों वही स्थान है जहाँ पे शाहजहाँ ने अपनी जीवन के अंतिम कुछ वर्ष बिताए थे जब औरंगजेब ने उसके पुत्र ने उसको कैद कर लिया था। और यहीं पे ये शाहजहाँ की जेल थी जिसने शाहजहाँ के बेटे ने औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। तो ये सामने जो मुसलमान बुर्ज है ये शाहजहाँ की लास्ट में ये जेल बनी थी। यहाँ पे भी देखेंगे आप तो मीनाकारी का काम आपको नज़र आएगा पत्थर में। ये देखिए सामने एक फाउंटेन है, अब दोस्तों मुसलमान बुर्ज से आगे चल के मैं ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के आगे जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो दूसरी साइड के जो मीना बाज़ार के साइड में हरम का जो कमरे है, ये काफ़ी कमरे है यहाँ पे ऊपर नीचे वो व्यू है, उधर हमाम है सामने। और ये देखिए जो दीवान खास की बिल्डिंग है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट मीटिंग होती थी मुग़ल बादशाह अपने दरबारियों के साथ में बैठ के इम्पोर्टेंट मीटिंग्स है वो अरेंज करता था। और यहाँ ओपन छत है, छत से आपको यमुना जी के दर्शन हो जाएंगे और ताजमहल भी सामने दिखेगा। तो ये काले पत्थर का एक सामने जो सिंहासन पड़ा है, और उस साइड में नीचे की साइड में वाइट मार्बल का भी है। ये देखिए और नीचे आपको ये गहरी खाई नज़र आएगी, और एक और गेट जो अभी रोड साइड में है लेकिन वो क्लोज है। और ये देखिए ताजमहल यहाँ से आपको क्लियर दिखेगा। और ये शाहजहाँ की जेल थी मुसलमान बुर्ज। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और मैं जा रहा हूँ दीवाने आम की तरफ। यहाँ से भी व्यू देखिए, ये देखिए पूरे जो गार्डन और ये भवन बना हुआ है आगरा किले के अंदर। ये इस साइड का व्यू देखिए, अभी हम उस साइड में थे। और यहीं से दोस्तों मैं अभी नीचे आया हूँ दीवाने खास से, अभी दीवाने आम में आ गया हूँ। और ये दीवाने आम का भवन है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये सामने मैं आपको दिखाऊंगा।
पूरा व्यू। और ये सामने की जो आप देख रहे हैं ऊपर की जगह, ये मुगल बादशाह के बैठने की जगह थी, नीचे प्रधानमंत्री की और अलग जो दरबार में स्टेटस होता था, रैंक होती थी, उसके अनुसार दरबारियों के बैठने की जगह होती थी। ये मुगल बादशाह के बैठने की जगह थी। और ये सामने जॉन रशेल कॉलविन, एक ब्रिटिश की कब्र है जो 1857 की क्रांति में मारा गया था आगरा किले के अंदर, जो यहाँ पे एक सैनिक अधिकारी था। और सामने दीवाने आम है। और अब हम दीवाने आम ये देख के, ये देखिए, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और यहीं पे आगरा फोर्ट का टूर ख़त्म हो जाएगा। ये अब हम बाहर जा रहे हैं और जिस गेट के थ्रू हम आए थे उसी गेट के थ्रू हम वापस बाहर जाएंगे। तो अभी मैं वापस उसी गेट की तरफ जा रहा हूँ, अमर सिंह गेट की तरफ, जहाँ से मैं एंटर हुआ था। ये सामने देखिए एक गैलरी है। यहाँ आगरा किले में या ताजमहल में आपको गैलरियाँ काफ़ी दिखेगी, बगीचे में और हर जगह पे बिल्डिंग में। तो मैं गेट से बाहर जाऊंगा और सामने मेन गेट आ जाएगा। तो वीडियो यहीं अभी बंद करते हैं। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, जो नए व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और ये मैं बाहर की साइड में एक और गेट है सामने, जहाँ पे जो टिकट चेक हुए थे। और ये हम मेन गेट से अब बाहर आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।